ये है रेड मैजिक 8 प्रो प्लस। इस वक्त का ये रेड मैजिक का सबसे नया स्मार्टफोन है और इसके अंदर हाईएस्ट वेरिएंट वाला मैंने बाय किया है। इस वीडियो में इसका गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं, तो गेमिंग टेस्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर 100% पूरी बैटरी है और 5:16 हो रहे हैं। तो एक घंटा इसकी हम गेम खेलेंगे, देखेंगे कि ये कैसा चलने वाला, कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है, कितना हीट करता है। अभी हीट करते हैं, चेक करते हैं, तो ये है 26, 24, 25 एंड 24। तो अभी बिल्कुल ये कूल है, कोई भी मसला नहीं है। चार्जिंग मैंने मुकम्मल कर दी थी, रख दिया था, तो ये गर्म वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। दो गेम खेलेंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी है और दूसरा है पबजी। तो ये चाइनीज वर्जन मैंने डाउनलोड किया है, इंटरनेशनल वर्जन हो नहीं सकता, मगर टोटल जो है दोनों सेम ही है। गेम खेलने से पहले मैं दिखा दूँ कि आपको इसके अंदर कोई भी पीछे एप्लीकेशन नहीं चल रही है, सिवाय वाईफाई के कुछ भी ऑन नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक घंटा गेम खेलेंगे, देखते हैं कि कैसा इसकी परफॉर्मेंस होने वाली है। इसके अंदर आया स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, इस वक्त का नया, तो गेम में जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसमें जो है आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा मिल जाएगा, तो पूरी स्क्रीन का आपको मज़ा आने वाला है। तो गेम शुरू करते हैं अपना, कॉल ऑफ ड्यूटी एक घंटा खेलते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। तो एक घंटा जो है शुरू हो गया है और इसके अंदर जो है आपको दो ट्रिगर्स मिल जाएंगे जो काफ़ी कमाल का। आपको कोई एडिशनल इसमें ट्रिगर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जो है ये ट्रिगर्स आपको मिल जाएंगे। तो मैंने अभी सेटिंग इसकी कर दी, बताता हूँ कि कैसे सेटिंग हो सकती है। और जब ये गेम आप कोई भी गेम शुरू करेंगे, चार्जिंग करेंगे, तो इसमें जो है आपको ये फैंस दोनों शुरू हो जाएंगे। ये ऊपर की तरफ एक फ़ैन है और एक ये लेफ्ट साइड की तरफ फ़ैन है, तो ये फ़ोन को हीट नहीं करेगा गेम खेलते वक्त। डिज़ाइन देख सकते हो कि डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, कैमरा क्वालिटी भी बस ठीक है। प्राइस वगैरह मैंने बता दिए हैं अपनी पिछली वीडियो में, अगर वो नहीं देखा तो वो देख लो। चार्जिंग टेस्ट भी मैंने इसमें करके दिखा दिया, वो भी देख सकते हो। तो ये गेम जो है शुरू हो गया, तो आपको ये गेम मोड टर्न ऑन करना पड़ेगा, टर्न ऑन मैंने कर दिया है। यहाँ से जो है आपको ये सेटिंग्स मिल जाएगी, कितना हार्ट से 60 Hz अभी जो है इसका गेमिंग चलने वाला है, कितनी परफॉर्मेंस है, बैलेंस में है, ये ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, आप इसकी बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी ये बिल्कुल मैं नॉर्मल बैलेंस पे रख के खेलूँगा। आवाज़ वगैरह बहुत सारे इसके अंदर आपको फीचर मिल जाएंगे, इसमें जो है गेम खेलते वक्त जो है रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फ़ैन अभी टर्न ऑन है, चाहे तो ऑफ़ कर दें अगर आप समझते हैं कि ये थोड़ा सा आपको बॉदर कर रहा है, आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, और वॉइस भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो है आप जब ये सेटिंग देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे आपको गेमिंग मोड मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लेफ़्ट और राइट। तो लेफ़्ट जो है ये मैंने कर लिया है ये वाला, तो ये आप इसको पिक कर सकते हैं कहीं भी, एक जगह मैंने रख दिया है, और ये राइट वाला जो है मैंने यहाँ रख दिया है। तो बस ये हो गया आपका काम, तो बस ये मैंने टर्न ऑन कर दिया है। अब देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस होने वाली, पहले तो आप इसकी आवाज़ सुने। आवाज़ काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, आपको नीचे और ऊपर की तरफ दोनों स्पीकर मिल जाएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी अच्छी वाइब्स आने वाली हैं। तो गेम शुरू करते हैं। जब आप गेम खेल रहे होंगे तो यहाँ पे जो है आपको दिखाएगा कि कितना FPS है, क्या टाइमिंग चल रहा है, क्या बैटरी है। तो 1% इसकी बैटरी अभी ख़त्म हुई है, तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं, 9 मिनट में 1% इसने बैटरी अपनी ख़त्म की है। तो इसमें ये भी अच्छा है कि पता चलता रहे क्या इसकी FPS है, कितना ड्रॉप कर रहा है अभी। तो ये मैंने दूसरा मैप शुरू किया है, देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है।
गुड गेम गुड गेम, मज़ा आया। तो अभी जो है 12 मिनट पूरे हो गए हैं, उसने बैटरी इस्तेमाल की अपनी 2% इस्तेमाल किए। तो अब जो है हम पबजी गेम खेलते हैं, देखते हैं कि 40 मिनट में वो पबजी गेम कितना बैटरी इसका इस्तेमाल करता है और क्या रिजल्ट होने वाला है। पबजी गेम खेलने से पहले जो है हम ये देख लें कि इसने जो कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है इसने क्या किया है। बिल्कुल वैसा ही इसका रिजल्ट अभी आ रहा है टेम्परेचर का। जब इसने गेम शुरू किया था यही रिजल्ट था टेम्परेचर का। तो अभी इसने टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ाया, इसने जो है अपने 2 फैंस इस्तेमाल किए जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा है। तो अब हम इसकी सेटिंग में जाकर देखते हैं कि ये किस ग्राफिक पे जो है ये चल सकता है। तो ग्राफिक देख सकते हो कि HDR है, HDR में जो है आप हाई कर सकते हो, उसके बाद जो है अल्ट्रा है, अल्ट्रा के बाद जो है उसके बाद नहीं हो सकता। आप अल्ट्रा में जो है जब ये पिक करते हो तो ये इसमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये बिना अल्ट्रा के है और ये अल्ट्रा के, ऐसा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। तो मैं इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें जब हम गेम खेलेंगे तो बैटरी थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो हम पहले ये नॉर्मल वाला गेम खेलेंगे, देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आने वाला है, कैसा चलने वाला है। स्मूथ तो मुझे वैसे ही लग रहा है, मैंने अभी जो है इसका ये कवर लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिल्की मुझे लग रहा था। ऊपर से जो बटन इसकी प्रेस हो मुझसे हो नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा सिल्की मुझे फील आ रही थी। इस फ़ोन्स के जो हैं बेजल्स इतने ज़्यादा है नहीं, और ये काफ़ी बड़ी सी स्क्रीन लगती है मुझे क्योंकि इसके अंदर जो है आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा मिल जाएगा। तो वो एक जो होता है नॉच की फीलिंग आती है कैमरे की, वो भी नहीं आ रही, बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन है। और जो है काफ़ी चौड़ा है ये फ़ोन, लंबा भी है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। और देख सकते हो कि गेम शुरू हो गया है, गेम शुरू हुआ है तो ये दूर तक जो है आपको क्लियरिटी दिखाई दे रही है इस गेम के अंदर। वैसे बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो इसमें देख सकते हो क्या कैसी काफ़ी क्लैरिटी दिखा रहा है, काफ़ी अच्छे कलर्स हैं। अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस अगर हम इसकी बढ़ाते हैं तो या बेटर रिजल्ट राइट। पहले वो घर थोड़े ब्लरी दिख रहे थे, अब जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है क्लियर दिख रहे हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर शुरू होने वाला है तो यहाँ पे जो है ऐसी थीम ये हर साल ही ये लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ फेस्टिवल है, काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है। तो वैसी जो है गेम्स के अंदर भी वैसी ही ये फील दे देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये ट्रिगर्स की बात करूँ तो काफ़ी ही एक्यूरेट वक्त पे ये काम कर रहा है, ये क्लिक ये आया, क्लिक ये आया। Thank you.
ओके, तो इसने जो है अब 20 मिनट हमने खेला ये गेम अल्ट्रा एचडी पे, तो इस देख लेते हैं कि इसने कितना हीट किया है। इसने 27, 27, 29 एंड 26 और 26। तो जो है इसने टेम्परेचर इतना बढ़ाया नहीं है अपना, क्योंकि इसने जो है अपने फैंस का काम किया है, जिसकी वजह से इसने इसको कूल रखा है, काफ़ी अच्छा है। तो 20 मिनट से ज़्यादा इसने खेला है, और इसने चार्जिंग जो है इस्तेमाल की है 8%, 2% जो है वो कॉल ऑफ ड्यूटी ने इस्तेमाल की थी, और 8% जो है इसने इस्तेमाल की अल्ट्रा एचडी पे हमने ये गेम खेला है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे गेम खेलते वक्त। तो अभी जो है 15 मिनट मज़ीद खेलते हैं, फिर देखते हैं कि ओवरऑल 1 घंटे में इसने कितनी बैटरी इस्तेमाल की है। लैंड होते ही एक शिकार हो गया है, देखते हैं कितना शिकार हम इसमें कर सकते हैं। ये छोटे मैप्स मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो पूरे 1 घंटा होने वाला है इस गेम को, तो इसने जो है FPS वगैरह भी देख सकते हो कि 60 FPS था, ये 40 FPS कर दिया, मगर इसमें ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि ग्लिचेस आ रहा हो या जो है बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा हो, या मुझे बहुत स्मूथ सा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो है टाइमिंग वगैरह भी दिखा रहा है कि और कितनी बैटरी इस्तेमाल की है और क्या बैटरी हो रही है अभी। तो अगर हम स्विच करते हैं, तो इसमें जो था ये वाला गेम खेलते वक्त, इस वाला पार्ट में जो है मैंने इसका जो था गेमिंग मोड टर्न ऑन नहीं किया था। जब टर्न ऑन करते हैं तो ये कुछ कुछ ऐसा आ जाता है, तो मैंने टर्न ऑन नहीं किया था, जिसकी वजह से बैटरी शायद वो कम इस्तेमाल हुई हो। तो 90 था जब हमने ये 45 पे इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो 85 है अभी आई थिंक, यस। तो इसने जो है आई थिंक पूरे गेम खेलते वक्त 1 घंटे में जो है इसने 15% इसने पूरी बैटरी इस्तेमाल की, 1 घंटा खेलते वक्त 15% इस्तेमाल किया है। और अगर कोई मसला आता है तो आप इसके 165 वाट के चार्जर से जो है इसकी बैटरी को 15 मिनट में जो है, और 15 मिनट नहीं 20 मिनट में जो है पूरी मुकम्मल चार्ज कर सकते हैं। 15 मिनट कहा था कि ऑफिशियल टाइम ने कहा था, जो मैंने चार्जिंग टेस्ट किया था उसमें जो था 18 से 20 मिनट में जो था इसने पूरा मुकम्मल चार्ज किया था 100%। तो ये गेम के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, बैटरी काफ़ी कम इस्तेमाल करता है, 1 घंटा में जो है 15% इस्तेमाल किया है, और चार्जिंग भी ये जल्दी कर देता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं इसकी ये जो है टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ कि इसने इस गेम को भी इस्तेमाल करते वक्त जो है क्या टेम्परेचर आया। तो पूरा 1 घंटा इस्तेमाल करते वक्त जो है इसने दोनों फैंस का जो था इसने इस्तेमाल किया है, टर्न ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से ये हीट नहीं किया है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑलराइट, तो आपको आइडिया हो गया होगा, अगर आप फ़ोन पसंद करते हैं रेड मैजिक 8 Pro Plus का, तो आप ये फ़ोन को जो है इस वीडियो को आपको पता चल गया होगा गेम खेलते वक्त कैसा है, कितनी बैटरी इस्तेमाल करता है। या
वेरी यूजफुल राइट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और आने वाली वीडियोस भी आपको मिल जाए तो नोटिफिकेशन जो है इसका टर्न ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय बाय।